समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनको ज्योतिष में विश्वास है, दूसरे वो जिनको ज्योतिष में कोई विश्वास ही नहीं है, मानते हैं कि ज्योतिष केवल और केवल एक पाखंड है, एक बोगस सब्जेक्ट है, और तीसरे वो जिनको ज्योतिष में इतना ज़्यादा विश्वास है कि उनका ये विश्वास उनको अंधविश्वास की हद तक ले जाता है। तीनों ही लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो लोग विश्वास करते हैं, ज्योतिष हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, वो लोग किसी सब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बीच में अंतर करते हैं, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हैं, टाइम टू टाइम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और जो वहाँ पर उनको पॉजिटिव मिलता है, अपने काम का मिलता है, उसको रख लेते हैं, बाकी को वो इग्नोर करते हैं। दूसरे होते हैं जो कि विश्वास ही नहीं करते, उनको केवल और केवल किसी भी सब्जेक्ट के केवल नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढना होता है, उनको मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उनको केवल और केवल नेगेटिव ही बोलना होता है। और तीसरे होते हैं जो कि अंधविश्वास की हद तक विश्वास करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कि ज्योतिष हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना बड़ा बनाकर प्रेजेंट करेंगे कि भाई ज्योतिष नहीं, अलादीन का चिराग हुआ। इन लोगों का अंधविश्वास सबसे ज़्यादा ज्योतिष को नुकसान देता है। किस तरह से, इसी को आज की इस वीडियो में समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष का वर्णन वेदों में भी मिलता है। अब वेद तो शाश्वत हैं, वेदों में जो लिखा गया है माना जाता है कि वो परम सत्य है। अब अगर ज्योतिष का वर्णन वेदों में है तो फिर कोई किस तरह से कह सकता है कि ज्योतिष एक बोगस सब्जेक्ट है या ज्योतिष एक पाखंड है। सबसे पहले इसको समझना होगा कि ज्योतिष का वेदों में किस तरह से और क्या वर्णन किया गया है। वेदों में नक्षत्रों का, ग्रहों का जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन किया गया है ऋतु प्राकृतिक घटनाओं के हिसाब से। वेदों में या किसी प्राचीन ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ज्योतिष में किसी ग्रह के किसी प्लेसमेंट से आप किसी व्यक्ति का फल कथन कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि भाई फला नक्षत्र में इस तरह का मौसम होता है या ग्रहों की स्थिति बनती है तो इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसका उपयोग होता था जनमानस को प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सचेत करने के लिए। आज भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं कि भी हवा किस दिशा में चल रही है, किस तरह से चल रही है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उससे क्या परेशानी हो सकती है। इस लेवल पर ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथों में उपयोग किया गया। धीरे धीरे विद्वानों ने उसका उपयोग आम मानस के ऊपर भी करना शुरू किया। कोई बुराई नहीं, कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। आपको विश्वास है कि ज्योतिष के द्वारा भविष्य को जाना जा सकता है, इसको विश्वास कह सकते हैं, लेकिन ज्योतिष द्वारा भविष्य को बदला जा सकता है या एक ज्योतिषी जादूगर की तरह आपका भविष्य बदल देगा, उसने कोई एक उपाय बताया, आपको कोई एक अंगूठी पहनाई और उसके बाद बस ठीक है आप तो बन गए अंबानी, ये हो सकता है, ये अंधविश्वास है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत सारे ज्योतिष को मानने वाले भी इस अंधविश्वास के चक्कर में खुद को नुकसान दे रहे हैं और ज्योतिष को भी नुकसान दे रहे हैं। ज्योतिष को सबसे ज़्यादा नुकसान इस अंधविश्वास को फैलाने वाले और इस अंधविश्वास को मानने वालों ने दिया है। कहीं भी किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं लिखा कि फला नक्षत्र में ऐसा होगा और उसके बाद इस तरह का मौसम होगा या इस तरह की प्राकृतिक घटना आएगी और उसके बाद अगर आप ये कर देंगे तो फिर ये समस्या टल जाएगी। वेदों में इस तरह के मंत्र दिए गए हैं कि आप वर्षा करा सकते हैं, आप वर्षा को कम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि भाई इस नक्षत्र की अगर आप पूजा करेंगे तो ऐसा होगा या इस ग्रह की आप पूजा करेंगे तो ऐसा होगा, वहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है। वहाँ केवल और केवल कुछ मंत्र दिए गए हैं जो कि अगर आप उनका जो भी पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं तो उस प्रोसेस में आप उस चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किंतु कि भाई यह हो ही जाएगा और इस नक्षत्र की पूजा करने से ऐसा पॉसिबल है ही, तो ये अंधविश्वास है। अभी कुछ दिन पहले का एक किस्सा बताता हूँ भाई। मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, भाई साहब कहते हैं कि मेरी शुक्र की दशा में चंद्र का अंतर चल रहा है और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्फेक्शन हो रहा है।
मुझे कोई रेमेडी बताइएगा। सबसे पहली बात तो कि भाई आपको किसने बताया कि शुक्र की दशा में अगर चंद्र का अंतर चलता है तो आपको कोल्ड हो सकता है, या फिर आपको जो कोल्ड हो रहा है उसका कारण शुक्र की दशा में चंद्र का अंतर है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है। उसके बाद क्या आप किसी डॉक्टर से मिले, भाई आपको कोल्ड हो रहा है पहले किसी डॉक्टर से जाकर मिल लो। अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर मिलते हैं और आपको एक लंबे समय तक किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वहाँ पर उस लेवल पर उससे बात करते हैं, तब आपको कहा जा सकता है कि आपको एक ज्योतिष में विश्वास है। किंतु ऐसे ही आप कह दो कि भाई चंद्र की दशा में शुक्र की दशा में चंद्र का अंतर चल रहा है और मुझे एक रेमेडी बता दो, मेरा कोल्ड ख़त्म हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। भाई मुझे भी कोल्ड होता है, मौसम चेंज होता है, मुझे भी बुखार होता है। तो अभी क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या फिर मुझे नॉलेज है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज है, तो उनको तो भाई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अपनी कुंडली देखो, एक उपाय करो, एक मंत्र पढ़ो, एक अंगूठी पहनो, हो जाएगा। उसके बाद एक और अंधविश्वास है कि ग्रह ऊपर से हमें कंट्रोल करना है, हम किसी ग्रह का कोई दान कर देंगे, एक उस ग्रह की अंगूठी पहन लेंगे, उसके बाद वो ग्रह हमारे ऊपर अपने नेगेटिव इफेक्ट्स डालना बंद कर देगा। मतलब यार क्या ऊपर बैठे हुए ग्रहों को एक ही काम है, अरुशुगोयल ने देखूँ कौन कौन सी अंगूठी पहन रखी है और इसने मेरे पसंद की अंगूठी पहन रखी है तो मैं इसको कोई नुकसान दूंगा नहीं, और इसने मेरी पसंद की अंगूठी नहीं पहन रखी तो भाई अपने सारे साथी इसी पर डालनी है, मतलब यही काम लगा रखा है ना। तो ये अंधविश्वास है। आप रत्नों का उपयोग करो चिकित्सा के तौर पर, रंग चिकित्सा के तौर पर, मानसिक चिकित्सा के तौर पर, तो समझ में आता है। आप एक ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली को एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि भाई आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरह की प्रॉब्लम है, किस पार्ट में आपके प्रॉब्लम है बॉडी के, किस तत्व की वजह से वो प्रॉब्लम है, उस तत्व से रिलेटेड कोई रत्न या कोई रेमेडी करके आप उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। किंतु ये सोच लेना कि भाई मैं ये अंगूठी पहन लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं अंबानी बन जाऊंगा या मैं मोदी बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। यही अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास ने ज्योतिष और ज्योतिषियों को बदनाम किया है। तो आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, भाई विश्वास कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, चीज़ों को लॉजिकली समझिएगा, मगर अंधविश्वास मत कीजिएगा।